हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगी राज। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइस, आप लोग कैसे हैं? और आज के व्लॉग में मैं आप लोग को हेयर स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। इतने देख सकते हैं मेरे बाल कितने कर्ली हैं और मैं भी इसे स्ट्रेट करूँगी। और मैंने फ्लिपकार्ट से फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर मंगाया है, जो इसका प्राइस है 2474। तो आप देख सकते हैं। और मैंने अभी इसे परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। और मैं बताती हूँ इसको चेक करके कि इसका प्रोडक्ट कैसा रहता है और मेरा हेयर स्ट्रेट होता है कि नहीं। सो पूरा वीडियो इन तक देखे, सो थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। अब स्ट्रेट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो मैंने इसे बोर्ड में लगा चुकी हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है, उसको मैं ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, तो ये लाइट जो है वो अप डाउन करके जल रहा है, तो इससे ये हीट हो रहा है। हीट होने के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, तब तक आप अपने बाल को सुलझा लें पूरी तरह से। दो पार्ट में पहले बाल को बांट लें। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल को पूरी तरह से सुलझा लिया और मेरे बाल कितने कर्ली हैं वो आप देख रहे हैं, देख लीजिए। अब ये मेरा हीट हो चुका है, तो हल्का हल्का बाल में ऐसे कंघी के जैसे इसको लगाएंगे। अब देख रहे हैं कि हल्का हल्का ये स्ट्रेट हो रहा है ऐसे कंघी की तरह। बस बहुत ही इजी है, बहुत ही। बस इसे आप इस कंघी के जैसे करते रहे। इतना फर नजर आ रहा है। दिखता होगा कि मेरे ये बाल और इधर के साइड के बाल में कितना डिफरेंस है। फाइनली मेरी हेयर स्ट्रेट हो चुकी है और आप लोग देख सकते होंगे कि मेरे पहले के बाल और अभी के बाल में कितना डिफरेंट है। एक बहुत ही खूबसूरत लुक लगता है जिसके बाल कर्ली होते हैं और उनका हेयर स्ट्रेट होता है, तो उन्हें बहुत अंदर से खुशी होती है जैसे कि मुझे हो रही है। और सो थैंक यू। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। सो थैंक यू फ्लिपकार्ट मुझे इतने अच्छे हेयर स्ट्रेटनर देने के लिए। सो थैंक यू। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू, बाय बाय।